कला के साथ कोलकाता की दास्तां जितनी पुरानी है उतनी ही अटूट है। मनमोहिनी तिलोत्तमा के कोख में सदियों से पले बरे है एक से बढ़के एक बेहतरीन कलाकार। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जितनी खूबी कलाकारों की कला में है, उन्हीं कला की उतनी कदर हम लोग आज भी पूरे नहीं दे पाए। हर एक कला की समादर होनी चाहिए, कदर ही कला की वजूद है। एक ऐसे ही कलाकार के कुछ पेश की हम लाए हैं आज। हर कोई कलाकार नहीं होता, लेकिन सिर्फ गुण ही किसी को कलाकार नहीं बनाता। बहुत सारा मेहनत, अपने गुण के प्रति लगान और निष्ठा कला की जन्म देती है। इसीलिए कला की कोई भेदभाव नहीं होता और ना ही कलाकारों की सृष्टि की होनी चाहिए। पतंगबाजी हमारे लिए जुनून है और उन्हें बनाने वाले कलाकार के लिए सुकून। नाजिब रहमान जी के लिए भी पतंग और पतंगबाजी कुछ ऐसी ही है। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू प्रेजेंट सच एन एक्सलेंट आर्टिस्ट यू ऑल, नाजिब रहमान जी, एन एक्सलेंट आर्टिस्ट, अ जेन्युइन स्पोर्ट्समैन विद अ ब्यूटिफुल विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ गेम टू अ फॉर्म ऑफ एन एक्सलेंट आर्ट। पतंगों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। कटी पतंग जिसे मिला बस उसी का हो गया। पर हर एक पतंग की एक कहानी जरूर होता है। पतंगबाजों के हाथ से चाहे फिसल जाए, लेकिन हर पतंग उसे बनाने वाले कलाकार की एहसास लिए चलती है आखिर तक। नाजिब रहमान जी के नाम और काम से सारे पतंगबाजे वाकिफ हैं। आप पहले ही उनके कलाकारी की एक झलक बोंग अड्डा के प्लेटफॉर्म में देख चुके हैं। पूरे भारत के पतंगबाजों ने उनकी कलाकारी को नवाजते हैं। आप वाकिफ हैं उनके नाम से, पर अनजान है उनकी कहानी से। आज हम आए हैं उन्हीं की कलाकारी की एक नई पहलू आप सबके सामने लेके, और उसी के साथ उनकी कहानी लेके आए हैं आप सबके सामने। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग सो दैट यू कैन फाइनली से दैट यू न्यू हिज नेम बट नाउ यू नो द आर्टिस्ट। सो नॉक नॉक, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्राइब बटन, कीप वॉचिंग एंड गिव अस योर लव। थैंक यू। वाइज मेन से दैट लाइफ इज अ गेम। खेल चाहे मैदान की हो या फिर जिंदगी की। Those who stubbornly keep fighting till the end become the champions. कुछ ऐसी ही है नाजिब जी की कहानी। वो तो मैदान के जंग बहुत जीत चुके, लेकिन जिंदगी का हर जंग इतना आसान नहीं होता, खासकर कि तब जब मौत दरवाजे पे दस्तक देती है। मैदान से पतंगबाजी करने के लिए सद्दी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेंटेड सद्दी, मसाला सद्दी। लेकिन हमेशा से हमें सद्दी के लिए मुरादाबाद और इलाहाबाद पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जैसा हमने पहले से ही बोल रहे हो, कोलकाता किसी भी चीज़ से कम नहीं है। आप लोग नाजिब रहमान जी के पतंगे से तो वाकिफ है, उनके सद्दी से वाकिफ है क्या? नहीं ना? तो चलिए देखते हैं
आपके जाने माने कलाकार की एक और खूबी। नाजीब जी, कोलकाता में सद्दी आपके बदौलत बनना स्टार्ट हुआ है, सो व्हाट्स द स्पेशलिटी अबाउट दिस सद्दी? सद्दी के अपने अपने सब खूबियाँ हैं, उसमें कलर केमिकल का डालना उसी को स्पेशल करता है। उसमें क्या मटेरियल आप डाल रहे हो उससे आपका स्पेशलिटी जाहिर होता है। मैं मसाला सद्दी भी बनाता हूँ और पेंट सद्दी भी बनाता हूँ। मसाला सद्दी और पेंट सद्दी, मसाला क्या एक्चुअली सब कहते हैं मसाला, वो पेंट सद्दी हो गया आपको ऑयल पेंट होता है, और मसाला सद्दी जैसे वो वाटर बेस में होता है। लोग मसाला सद्दी नाम दे दिए, मसाला क्या उसमें कोई मसाला थोड़ी डाला जाता है, वो भी कलर है ये भी कलर है, एक वाटर बेस है एक ऑयल बेस है। तो मसाला सद्दी वो वाटर बेस से तैयार होता है और ऑयल बेस से होता है उसको पेंट सद्दी कहते हैं। तो उसमें सबका अपना अपना केमिकल है, तो उसमें हमारा भी अपना केमिकल है, तो सब अपना नाम करने के लिए अपना वैरायटी करते हैं। मैं अपना वैरायटी कर रहा हूँ, लोग बाहर से लेते हैं मुरादाबाद इलाहाबाद सद्दी, कलकत्ता में जो कोई जानता नहीं है सद्दी, तो इसीलिए मैं कलकत्ता को पीछे क्यों रखूँगा। ये अब मेरा व्यू सद्दी की तरफ में है। पतंग भी मैंने बनाया, पतंग भी हमारा नाम है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं कलकत्ता को अब सद्दी भी दिखाना चाहता हूँ, क्यों बाहर से लेगा कलकत्ता जी? बिल्कुल, अब आपके घर में जब माल तैयार हो रहा आप यहाँ से लो, तभी ना यहाँ के कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, तो वो इसमें ज़्यादा ध्यान देगा। ऐसे भी लॉकडाउन का सीजन है भाई, काम का सभी का चौपट है, वो तो आप सभी जानते हैं। पतंगबाजी कलकत्ता में बहुत मशहूर है जी, लेकिन सुताई के लिए कुटी के लिए लोग ज़्यादा, पर्टिकुलरली सद्दी के लिए लोग ज़्यादा ही सोचते हैं बाहर से मंगवाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। कोलकाता में जो बन रहा है ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल, तो कलकत्ता के कारीगर सभी चीज़ में नाम है, पतंग भी कलकत्ता का नाम है। हाँ, और मांझा बोली तो मांझा में भी हमारे हैं, जयदेव बाग जी हैं, नांटू दा हैं, सौरभ दास गुप्ता है, मंझे के कारीगर कलकत्ता में भी हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी नाम के हुए कारीगर हैं, मंझे में भी नाम है। रहा बात सद्दी का, सद्दी में मैं ध्यान दे रहा हूँ, और भी कलकत्ता में सद्दी के कारीगर हैं, जैसे पुट्टो है, सनी, और भी बहुत सारे कारीगर हैं सद्दी के, तो सब मिल के अगर चाहें तो कलकत्ता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं, मेरा जो ध्यान है वो सद्दी की तरफ अब रुजू हो रहा है, मैं अब सद्दी की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, और कलकत्ता के लोगों को और बाहर के लोगों को भी सद्दी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कलर केमिकल लाइन में 30 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, मैं छोटे टाइम से ही कलर केमिकल में काम किया हूँ, तो इसीलिए अब सद्दी की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कलकत्ता को अब सद्दी का वो टेस्ट मैं दूँ, लोग इसको पसंद करें, लें, टेस्ट करें, टेस्ट करेंगे तब ना जानेंगे चीज़ क्या है जी। बिल्कुल, तो हमारा ध्यान बस अब सद्दी की तरफ में है, सद्दी में कलकत्ता में पूरा फैलाना चाहता हूं। आपके पतंग तो बहुत मशहूर है, वो उसके कला ही कुछ अलग है ना, ये सद्दी इसका रिस्पांस कैसा है कलकत्ता? अच्छा, मैं जिसे दे रहा हूँ वो अब दोबारा मांग रहे हैं। अभी हमारा सद्दी बाहर भी गया है, अभी ऑल इंडिया में भी हमारी सद्दी लड़ने जा रही है, सब लोग ले रहे हैं, जो एक बार ले रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं जी जी। ये सब ऑल इंडिया के लिए जा रही है, ये 3 अभी लटाई है, वो रजा काइट क्लब से मुन्ना भाई है, ये उनके लिए बन रही है। अच्छा, ये वो ले जाएंगे। तो ये सद्दी इसका प्राइस रेंज कैसा और किस क्वांटिटी में अवेलेबल है? प्राइस रेंज आपकी क्वालिटी के ऊपर में है, वो आप 500 से लेके 1200 तक का भी सद्दी है हमारे पास, और 2000 तक का भी है, वो क्वालिटी के ऊपर में है, जैसा क्वालिटी है वैसे दाम है। हाँ, सबसे कम रेंज में 450 से स्टार्ट है हमारा, वहाँ से लास्ट हमारा 2000 तक का भी है, तो वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लोगे। और क्वांटिटी? क्वांटिटी मैं एक दिन में 4 चरखी बनाता हूँ। अच्छा, मैं अकेला ही बल्ली पर चढ़ाता हूँ और खुद माँचता हूँ, मैं कोई कारीगर वारीगर नहीं रखा हूँ, मैं खुद माँचता हूँ, खुद चढ़ाता हूँ, क्योंकि अपना मैं जो चीज़ देता हूँ मैं अपना ही देता हूँ। पतंग भी मैं खुद बनाता हूँ कारीगरों से नहीं, तो सद्दी भी मैं खुद बनाता हूँ, तो लोग जब मेरा सद्दी लेंगे तो वो पसंद करेंगे। कारीगरों की सद्दी, कारीगर पे भरोसा नहीं करता हूँ, लोग कारीगरों से जो काम करवाते हैं, खुद का करना बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अगर कलाकार की कला छूट जाए तो इससे बड़ा दर्द उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। सांसें छूट रही थी, कला छूट चुकी थी, लेकिन नाजीब जी का हंसी फीका नहीं कर पाया और ना ही उनकी हिम्मत को तोड़ पाया वो एक्सीडेंट। जिंदगी के वार से घायलों के ज्यादातर सभी अपने सपनों को फिसलते देखते रह जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद भी अपने सपनों को जोड़े रखना और उन्हें पूरा करने के लिए पूरे लगन से लड़ जाना,
सबकी बस की बात नहीं है. ही ट्रूली हैज द हार्ट ऑफ एन आर्टिस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन. हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड हैट्स ऑफ टू हिज पैशन फॉर काइट्स.